आंधी तूफान की वजह से यूपी में बड़ी तबाही, 45 लोगों की मौत, जानमाल का नुकसान। आगरा में सबसे ज्यादा 36 लोगों की मौत, आंधी की वजह से उखड़ गए पेड़, बिजली के खंभे भी गिरे। पीलीभीत में आंधी के साथ भड़की आग, घरों को नुकसान, मारे गए जानवर। अमरोहा में तूफान की वजह से ट्रैफिक पर असर, बिजली सप्लाई में भी रुकावट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित लोगों को फौरन मदद पहुंचाने का दिया आदेश, कहा नहीं बर्दाश्त करेंगे लापरवाही। राजस्थान में आंधी और बारिश का कहर, अब तक 24 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। अकेले भरतपुर में 11 लोग बने जानलेवा मौसम के शिकार, कई जगहों पर टूटे बिजली के खंभे। धौलपुर में भी बारिश के कहर से 9 लोगों की मौत, कई जगहों पर उखड़े पेड़। अलवर में भी तूफान ने ले ली 3 लोगों की जान, टोल प्लाजा पर भी नुकसान। झुंझुनू में तेज आंधी की वजह से निर्माणाधीन मकान गिरा, 1 शख्स की मौत, 6 लोग जख्मी। उत्तराखंड के चमोली में फटा बादल, तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई जगह फंसी रही गाड़ी। चमोली में बारिश के बाद फिलहाल हालात सामान्य, बद्रीनाथ का रास्ता यात्रियों के लिए खोला गया। बारिश की वजह से केदारनाथ और सोनप्रयाग में रोके गए यात्री, हाईवे पर गिरे हैं पेड़। मध्य प्रदेश के भिंड में तूफान से भारी तबाही, 2 मकान जमींदोज, 1 बच्चे की मौत, 8 जख्मी। ग्वालियर में भी आंधी और मूसलाधार बारिश से तबाही, मंडी पहुंचे किसान हुए परेशान। मेरठ में देर रात झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग, सैकड़ों झोपड़ियां जलकर खाक। पास के कबाड़ गोदाम भी आग की चपेट में आए, फिलहाल हालात काबू में लेकिन राहत का काम जारी। मेरठ में लगी आग में सब कुछ सुहा, सुबह होते ही राख में भी जिंदगी ढूंढते नजर आए लोग। राजस्थान के झालावाड़ में आग की चपेट में दुकान खाक, काफी मशक्कत के बाद पाया जा सका काबू। राजस्थान के जोधपुर में स्प्रिट से भरी गाड़ी में लगी आग, सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। पीएम मोदी का गुलबर्गा से प्रचार का आगाज, शाम को बेंगलुरु में करेंगे पहली रैली। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने बोला बड़ा हमला, कहा उन्होंने शहीदों का अपमान करने की कोशिश की। कर्नाटक के रण में आज मोदी और राहुल की टक्कर, दोनों नेता रैलियों को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज कर्नाटक दौरे पर दिखाएंगे दम, बीदर में करेंगे 4 रैलियां। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, खेली और किसानों से जुड़े आंकड़े जारी करके कहा हर मोर्चे पर नाकाम सरकार। कर्नाटक दौरे पर निकले यूपी के सीएम योगी ने राम मंदिर विवाद को बताया जमीन का बंटवारा, कहा जन भावना को होना चाहिए सम्मान। योगी ने कहा मोदी और अमित शाह मेरे लिए रोल मॉडल, उन्होंने मुझे सीएम बनाया। कर्नाटक के सिरसी में योगी आदित्यनाथ का सिद्धरमैया सरकार पर बड़ा हमला, कहा यहां जिहादियों का बोलबाला। योगी ने सिद्धरमैया पर बोला करारा हमला, कहा उन्होंने कर्नाटक को एटीएम बना दिया। कर्नाटक की धरती से योगी आदित्यनाथ का दावा, बोले यूपी के 23 करोड़ किसान खुशहाल, कोई नहीं करता खुदकुशी। कर्नाटक में जेडीएस के लिए वोट मांगेंगे ओवैसी, बेंगलुरु में करेंगे रैली। फिर 3 तलाक पर अध्यादेश लाने की तैयारी में केंद्र सरकार, इस पर विधेयक लोकसभा में पहले ही हो चुका है पास। दिल्ली में लैंडफिल साइट्स को लेकर एनजीटी ने डीडीए और ईस्ट एमसीडी से मांगा जवाब, कपिल मिश्रा की याचिका को लेकर पूछे सवाल। दिल्ली में विजय गोयल ने निकाला साइकिल मार्च, लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के प्रति जागरूकता की मुहिम चलाई। कोलकाता के राजा बाजार इलाके में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति तोड़ी गई, पुलिस ने दर्ज किया केस। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जिन्ना वाले विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, जिन्ना बंटवारे के लिए जिम्मेदार, उनकी तस्वीर लगाए जाने पर मांगी रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले जिन्ना की तस्वीर और उनका नाम इस देश में मंजूर नहीं। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दिया विवादित बयान, कहा स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्ना के रिश्तेदार। गीतकार जावेद अख्तर ने भी एमयू में जिन्ना की तस्वीर लगाए जाने का किया विरोध, साथ ही कहा गोडसे के मंदिर बनाए जाने का भी होना चाहिए विरोध। जिन्ना की तस्वीर को लेकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए बवाल के बाद आज बढ़ाई गई सुरक्षा, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूपी सरकार के गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे की खुली पोल, बाराबंकी में गड्ढों वाली सड़क से गुजरा डिप्टी सीएम का काफिला।
हैदरगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र में किसान कल्याण कार्यशाला में मुख्य अतिथि बनकर आए थे केशव प्रसाद मौर्य, सड़क की हालत देखकर हुए हैरान। काफिले में बाराबंकी की सांसद प्रियंका सिंह रावत समेत कई नेता थे, रेंगती रही लग्जरी गाड़ियां, सफर में लगा दोगुना वक्त। सुप्रीम कोर्ट में पेड़ पर चढ़ गया नाराज किसान, काफी मान मनोबल के बाद उतारा गया नीचे। दिल्ली में शाहदरा फ्लाईओवर से गिरकर 9वीं क्लास के छात्र की मौत, घर वालों ने जताई हत्या की आशंका। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने खत्म किया ऑपरेशन, भागने में कामयाब हुए आतंकी। कश्मीर में फिर से आतंकी घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान, जानकारी के मुताबिक राजौरी सेक्टर के सामने 4 बड़े लॉन्चिंग पैड तैयार। पाकिस्तान ने पीओके में राजौरी के सामने अपनी जमीन पर तैनात की डिफेंस गन आर्टिलरी, करीब 80 आतंकी हुए एकजुट। हैदराबाद में ट्रेन के टॉयलेट के पानी से चाय कॉफी बनाने वाले वेंडर पर 1 लाख का जुर्माना, दिसंबर में वीडियो हुआ था वायरल। सवाई माधोपुर में 2 महीने से जारी पीने के पानी की समस्या के खिलाफ प्रदर्शन, प्रशासन की अनदेखी पर फूटा लोगों का गुस्सा। मुगलसराय वाराणसी रूट पर चलती ट्रेन में महिला से रुपए छीने, विरोध करने पर 5 साल के बच्चे समेत महिला को ट्रेन से नीचे फेंका। हरियाणा के नूह में 17 साल की नाबालिग गैंगरेप पीड़ित ने की खुदकुशी, वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं। मध्य प्रदेश के दमोह में 6 साल की मासूम बच्ची से शर्मनाक करतूत, अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। गुंटूर के दाचेपल्ली में बच्ची से रेप के बाद तनाव, नाराज लोगों ने हाईवे पर किया हंगामा। यूपी के हाथरस में एक डेयरी पर खाद्य विभाग की टीम की छापेमारी, नकली पनीर बनाए जाने का पर्दाफाश। मध्य प्रदेश के सीहोर में बस पलटी, 25 यात्री जख्मी, 5 की हालत गंभीर। जयपुर में पीटीआई के टॉर्चर से परेशान 9वीं क्लास के छात्र ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट मिला। साउथ दिल्ली के सुजुकी शोरूम में चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, लाखों रुपए से भरी तिजोरी लेकर भाग गए थे चोर। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 से लापता आईबी इंस्पेक्टर की पत्नी की लाश बरामद, 30 अप्रैल को संदिग्ध हालात में हो गई थी गायब। गाजियाबाद के इंदिरापुर में 11 साल की बच्ची ने दिखाई सूझबूझ, अपहरण की कोशिश को किया नाकाम। यूपी के हाथरस में घरों पर लिखे मिले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के हाथरस में छेड़खानी के शिकार लड़की ने दी खुदकुशी की धमकी, परिवार को मिल रही है धमकियां। यूपी के फिरोजाबाद में बेखौफ बदमाश युवक को गोली मारकर लूटे 52,000 रुपए। यूपी के बाराबंकी में सरकारी स्कूल में नाबालिग से गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में पुलिस ने सुलझाई एसपी नेता के मर्डर की गुत्थी, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। यूपी के मुजफ्फरनगर में महिला के साथ रेप का सनसनीखेज मामला, बेहोशी की हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मेरठ में पुलिस ने सुलझाई दुल्हन की मौत की गुत्थी, मुख्य आरोपी समेत 2 हाईवे लुटेरों को किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पिता ने 3 साल की बेटी को उतारा मौत के घाट, भाई पर लगाया हत्या का इल्जाम। यूपी के बांदा में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, मौके से 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के शाजापुर में शराबी पति की करतूत, शराब के लिए काटी पत्नी की नाक। यूपी के कानपुर में वकील पर महिला से रेप का आरोप, कोर्ट में प्रैक्टिस कराने के बहाने बनाया शिकार। यूपी के फैजाबाद में अवैध संबंधों का खूनी अंजाम, मां के प्रेमी को बेटे ने उतारा मौत के घाट। यूपी के हरदोई में मामूली विवाद में युवक का मर्डर, चचेरे भाई ने बेटों के साथ उतारा मौत के घाट। हरियाणा के करनाल में एमबीए पास युवक गिरफ्तार, जाली दस्तावेजों का करता था धंधा। हरियाणा के फतेहाबाद में सड़क किनारे बेडशीट पर लिपटी मिली महिला की लाश, प्रेमी पर हत्या का आरोप। कसौली में महिला अधिकारी की हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, हिमाचल सरकार सौंपेगी रिपोर्ट। हिमाचल के कसौली में महिला अधिकारी की हत्या का आरोपी विजय ठाकुर निलंबित, होटल चलाने वाला आरोपी स्टेट पार्क बोर्ड में डायरेक्टर सिविल के पीए के पद पर था तैनात। हिमाचल सरकार ने महिला अधिकारी की हत्या की उच्च स्तरीय जांच का दिया आदेश, 15 दिन में डिविजनल कमिश्नर सौंपेंगे रिपोर्ट। हैदराबाद में यौन शोषण के आरोप में मदरसा का टीचर गिरफ्तार, पुलिस ने लगाया पॉक्सो एक्ट। हरदोई में आपसी रंजिश में गोली मारकर दूल्हे की हत्या, आज ही जानी थी बारात। आईपीएल में दिल्ली ने राजस्थान को 6 साल बाद दी मात, डकवर्थ लुईस के आधार पर 4 रन से हराया।
दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बारिश होने तक बना 196 रन, राजस्थान को 12 ओवर में 151 का मिला टारगेट। 146 रन ही बना सकी राजस्थान की टीम, आखिरी ओवर में 15 रन बनाने से चूकी। राजस्थान की तरफ से जोस पटलर ने बनाए सबसे ज्यादा 67 रन, डीआरसी के साथ 84 रन की साझेदारी। मैच में नहीं चला बिन स्टोक्स और संजू सैमसन का बल्ला, दोनों नहीं दिखा पाए कोई कमाल। दिल्ली की तरफ से ऋषभ पंत और अय्यर ने की शानदार बल्लेबाजी, 92 रन जोड़े। चला पृथ्वी शॉ का भी बल्ला, 6 छक्के 4 चौकों की मदद से बनाए 47 रन। दिल्ली की तरफ से उनादकट की अच्छी गेंदबाजी, 46 रन देकर 3 विकेट झटके। आईपीएल में आज कोलकाता और चेन्नई के बीच टक्कर, ईडन गार्डन में रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ जेम्स सदरलैंड की बीसीसीआई को दो टूक, कहा भारत को खेलना ही होगा डे नाइट टेस्ट। बहन सोनम को शादी का गिफ्ट देने पर बोले हर्षवर्धन, मेरी फिल्में नहीं चल रही, बहन को देने के लिए मेरे पास सिर्फ प्यार। दीपिका ने दिखाया अपने टोन्ड बाइसेप्स, 10 और 11 मई को कांस में रेड कार्पेट पर बिखरेंगे जलवा। जॉर्जिया में ट्रेनिंग के दौरान यूएस मिलिट्री का प्लेन क्रैश, पायलट समेत 9 की मौत। अक्टूबर में लास वेगस में एक कॉन्सर्ट के दौरान हुए हमले का वीडियो आया सामने, हथियारों से लैस दिखा हमलावर, 58 लोगों की हुई थी मौत। लीबिया में चुनाव आयोग के मुख्यालय पर आत्मघाती हमला, 12 लोग मारे गए। फ्रांस में मई दिवस की रैली में हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में की तोड़फोड़। ब्राजील के रोड्रिगो कोक्सा ने बनाया समंदर की सबसे ऊंची लहरों पर सर्फिंग का रिकॉर्ड, 80 फीट थी लहर की ऊंचाई। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।